बाड़मेर जिला मुख्यालय पर ग्रामीण थाने में एक युवक को कल चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था। उसकी दोपहर में 1 बजे के आसपास तबीयत बिगड़ जाती है और उसको अस्पताल लाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। परिवार वालों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई है और उसके बाद में परिवार का बहुत ही बुरा हाल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सबसे पहले तो वो तस्वीरें दिखाएं कि घटना के बाद में जैसे ही अस्पताल पहुंचे, यहां पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात है। आप देखिए, पुलिस के आला अधिकारी है जो कि परिवार से समझाइश कर रहे हैं कि जो युवक की मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम हो। जो परिवार का है वो सबसे बुरा हाल हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए, ये परिवार है जिनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा है। इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने उस युवक के साथ में कुछ गलत किया है, जिसके चलते उसकी पिटाई हुई है। भैया, क्या हुआ आपने लाश कब मुलाकात की? अभी मेरे को बुला रहा है कि तेरे भाई को कुछ हो गया, अंदर मारपीट की है उन्होंने। किन्होंने मारपीट? पुलिस वालों ने। अच्छा, लास्ट कब बोले थे आप? अब हम लास्ट 9 बजे मिले थे चाबी ने। उसके बाद मुलाकात हुई? नहीं, अभी मिला, अभी जब यहाँ लाए नहीं, हमको बुलाया के बाहर, अंदर बाहर हम बैठे थे, हमको बुलाया के तेरे भाई को कुछ हो गया। अच्छा, और एक चीज बताओ, किस लिए ले गए थे, कब ले गए थे? ऐसे ही के बोल रहा है कि तूने चोरी का माल लिया। अच्छा, क्या हुआ? सुबह 1 बजे कल लेकर गए मेरे भाई को। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ थाने लेकर गए कि SP साहब से बात करो, यहाँ कोई बात नहीं होगी। कागजों में कुछ नहीं लिया, पन्ना वगैरह कुछ नहीं बनाया था। क्या आरोप क्या लगा? चोरी का माल का। चोरी का माल तूने खरीदा। अच्छा, एक चीज बताइए कि इससे पहले भी कभी पुलिस वाले आए थे? नहीं आए। अच्छा, अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है नया दिलाओ हमारे बच्चे, मेरे भाई को लेकर आओ, नहीं तो मेरा बच्चे। क्या क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप लोग? हमारा नाण गया, यानी इन्होंने मार दिया, पता ही नहीं पड़ा। अच्छा। किसको, घर का वाला को तो बोला ही नहीं कि ये मर गया, पता नहीं कौन मारा कौन नहीं मारा है। अब सरकार से क्या मांगे? अब हमारा बच्चा चाहिए। और वो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या अब आप लोगों की क्या मांगे? सर, पहले तो हम पूरी जाँच प्रक्रिया के तहत हम ये जानना चाहते हैं कि इसके साथ जो हुआ, तकरीबन कल 1 बजे इसको अपने गोदाम से पुलिस कस्टडी के अंदर लेके गए, ग्रामीण थाने के अंदर ले जाने पश्चात इसके परिवार वाले वहाँ पर गए। इन्होंने पूछा तो भाई ये क्यों ले गए, कि उन्होंने बोला कि चोरी का सामान ले, तो फिर अब क्या करना है? तो इन्होंने वापस ही आके उन परिवार को बोला कि आप SP साहब के पास में जाओ। अब इनमें इतनी वो अकल नहीं है और ना ही इतनी जानकारी है कि वो SP साहब कहाँ बैठते हैं कहाँ नहीं बैठते, वो ना ये लोग जा नहीं पाए। तकरीबन सुबह 9 बजे तक ये अपने भाई से मिले, तब तो ठीक था, दुरुस्त था, तंदुरुस्त था। और तकरीबन 10 बजे बाद जब ये मिलने गए हैं तो ये उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बुलाया कि भाई आपके भाई की तबीयत खराब है, और उस दौरान उसको मृत पाया गया। अब क्या मांग? अब हमारी मांग यही है, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इस परिवार के अंदर ही एक ही लड़का था, जो तकरीबन उसकी उम्र 27 वर्ष, इसका एक बच्चा है, और पूरी परिवार को पालने और पोषने का काम मात्र इसी का था, जितेंद्र का, और वो आज मृत घोषित हो चुका है। सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं? बिल्कुल, हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं, और इस परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आपने अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे, तो आपने मना क्यों किया? नहीं, हम पूरा समाज, हमारा समाज पूरा इकट्ठा हो रहा है, जो समाज निर्णय लेगा वो सर्वोपरि होगा। आप बताइए कि क्या मतलब जो घटनाक्रम हुआ है, कितना बुरा घटना? ये बहुत ही बुरा घटनाक्रम है, और इन पुलिस वालों की तानाशाही है, लापरवाही है। जो ये गरीब परिवार का सदस्य खत्म हो गया है, पूरा घर चला रहा था, 8-10 सदस्य है इसके घर के अंदर, एक बच्चा है, और इसके अंदर बहुत ही खतरनाक घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि इस परिवार को मुआवजा दिलाए, और इसके परिवार सदस्य को एक नौकरी दिलाए, और जो पुलिसकर्मी दोषी है उसको सजा से कड़ी सजा दिलाई जाए। मतलब इन दलित परिवार का साफ तौर पर, सीधे तौर पर कहना है कि जो पुलिस वाले लापरवाह है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दूसरी इनकी मांग है कि जो मुआवजा दिया जाए, साथ में सरकारी नौकरी दी जाए, तभी
ये लोग इस सब को यहाँ से उठाएंगे और अदरवाइज ये सब को नहीं उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कानून व्यवस्था का बाड़मेर में इस तरीके का हाल पहले नहीं हुआ है जिस कदर अभी है। एक युवक की पुलिस थाने में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया जिसके बाद में परिवार वालों और समाज के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि उसकी पिटाई हुई है। इस पूरे मामले में बाड़मेर एसपी ने तत्काल एक्शन लेते हुए थाना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, वहीं निलंबित कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया हम इनसे एसपी साहब से जानते हैं। सर क्या मामला दर्ज था? देखिए इस प्रकरण के अंदर पुलिस थाना ग्रामीण पे अभी तक कोई प्रकरण दर्ज जीतू के खिलाफ नहीं है, ये बात सही है। एसएचओ को जो दीप सिंह बाड़मेर ग्रामीण एसएचओ है उनको कहीं से सूचना मिली थी कि ये जीतू जो कि कबाड़ी का काम करते हैं और इनके परिसर में जो गोदाम है वो विभिन्न रिक्स के अंदर जो पाइप इत्यादि इस्तेमाल होते हैं वो इन्होंने चोरी का माल खरीदा हुआ वो मौजूद है। उस सूचना पर ये उसको पूछताछ के लिए लाए थे कल शाम रात में, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, ये बात सही है। और पूछताछ उनके द्वारा यदि की जानी थी तो करके इनको परिवार के सहित रुखसत कर देना चाहिए था, ऐसा भी मेरा मानना है। तो दीप सिंह को निलंबित किया जा चुका है, पूरा थाना बाड़मेर ग्रामीण जो है उसको लाइन हाजिर किया जा चुका है। इसमें आगे की कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा, डॉक्टरों का बोर्ड है वो करेगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट इस कार्रवाई को अंजाम देंगे, पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम नहीं देगी। ये थे एसपी साहब जिनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं मामला दर्ज नहीं था, कहीं ना कहीं पुलिस की जो थाना अधिकारी है उनकी लापरवाही थी जिसके चलते उनको सस्पेंड किया गया। साथ ही इस पूरे मामले की जाँच एडिशनल एसपी को दे दी गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।